कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं आप तक। मैं अभी हूँ बेगूसराय न्यू ओवरब्रिज लोहिया नगर के पास। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे काम जब सरकारी करे तो पैसा प्राइवेट का क्यों लें। अब ये मैं बात कर रहा हूँ बिहार होमगार्ड के बारे में। अब बिहार होमगार्ड के जवान तो बताएंगे नहीं उनको कैसे क्या, लेकिन मैं आपको अभी अवगत करवाता हूँ कि बिहार होमगार्ड के साथ क्या क्या दिक्कतें आती है। दिक्कतें ये आती है, इनका है बधुआ मजदूर की तरह। अगर आज आप अगर काम कर रहे हैं तो आज ही के डेट में आपको पैसा मिलेगा, कल का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें भी काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आता है। मतलब इन लोगों का जो है आज के डेट में काम करे तो पैसा, काम ना करे तो पैसा नहीं, ऐसा क्यों? मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, यानी मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जब बिहार होमगार्ड के जवान अगर काम करते हैं आपका सरकारी का काम, आप इनको ब्लॉक में लगाते हैं, पुलिस स्टेशन में लगाते हैं, इसका मतलब ये सरकारी काम कर रहे हैं। बिहार पुलिस वाले का सैलरी 50,000 और इनका सैलरी वो भी फिक्स नहीं, आखिर ऐसा क्यों? ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ, ये बिहार के होमगार्ड जानना चाहते हैं, जो भी गृह रक्षा वाहिनी है, आखिर आप इन लोगों को एक फिक्स सैलरी करें और फिक्स काम करें, ऐसा नहीं कि दिन में यहाँ पे रात में वहाँ पे। धन्यवाद, आप लोग इसी तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।